वेलकम बैक टू यस ग्रुप, माय नेम इज आमिर। टैली प्राइम सीरीज अकाउंटिंग सीरीज की इस नई क्लास में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। यह एक टैली प्राइम कोर्स की कंप्लीट कोर्स सीरीज है, जहां पर हमने ऑलरेडी कई सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को देखा नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा कि अगर हमें टैली प्राइम में बिल्स पेबल को चेक करना है, बिल्स पेबल की रिपोर्ट्स को चेक करना है, तो उन्हें हम कैसे चेक करेंगे। साथ ही साथ जिन भी हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था, अगर हमें उन पेमेंट्स करना है उन क्रेडिटर्स को, तो कैसे करेंगे। आज की ये वीडियो क्लास उसी क्लास का अगला पार्ट है। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं अगर हमें टैली प्राइम में बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट्स को चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। साथ ही साथ हम डेप्टर्स को पैसे पेमेंट करेंगे तो उनकी इंट्रीज हम कैसे पास करेंगे और रिपोर्ट में किस तरीके से उनका इफेक्ट आएगा। के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर टेलीग्राम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। चीज़ें जो समझने वाली है वो ये है कि सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि टैली प्राइम में या अकाउंटिंग में बिल्स रिसीवेबल किसे कहते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल वह बिल होता है जिसके अगेंस्ट हमारी फर्म को पैसा मिलना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी फर्म ने किसी को भी कभी भी कोई भी आइटम, कोई भी गुड्स, कोई भी सामान उधार बेचा है और हमने उसका पेमेंट नहीं लिया है, अगर हमने उधार यानी क्रेडिट पे माल सेल किया है तो अगर हमने पेमेंट नहीं लिया तो उस समय जो भी बिल जनरेट होगा उसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि उस बिल के अगेंस्ट हमारी फर्म को पैसे मिलेंगे। बिल्स रिसीवेबल फर्म के लिए एसेट्स होते हैं। जितने ज़्यादा बिल्स रिसीवेबल होंगे फर्म को उतना ही ज़्यादा पैसा मिलना होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि भाई बिल्स रिसीवेबल, हमें पता चल गया कि बिल्स रिसीवेबल ऐसे बिल्स हैं जो कि हमें मिलेंगे, हमारे डेप्टर्स द्वारा हमें पैसे प्राप्त होंगे। अब अगर हमें ये देखना है कि हम टैली प्राइम में चेक कैसे करेंगे, किससे किससे हमें पैसे लेने हैं, कितने कितने पैसे लेने हैं, तो कैसे हम चेक करेंगे, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। चेक करने के लिए दो मेथड्स हैं। एक है लॉन्ग मेथड, जिसमें आपको करना क्या है, आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाते हुए आपको चले जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, इंटरप्रेस करना है। इसके बाद आपको जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे। जैसे आप इंटरप्रेस करेंगे तो आप पहुंचेंगे आउटस्टैंडिंग स्क्रीन पे। आउटस्टैंडिंग के अंतर्गत दो ऑप्शंस होते हैं, पेबल और रिसीवेबल्स। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, यानी जो भी आपका रिमेनिंग बैलेंस है, चाहे आपको पे करना हो चाहे आपको रिसीव करना हो, वो आपके अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग के अंदर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हमने आउटस्टैंडिंग को ओपन किया है। पिछली क्लास में हमने पेबल्स को देखा था, आज की क्लास में हम रिसीवेबल्स देखने वाले हैं। तो जैसे हम रिसीवेबल्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने से पूरी की पूरी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी, जिन भी पार्टीज से, जिन भी डेप्टर्स से हमें जितना जितना अमाउंट लेना है। आप यहाँ पर देखेंगे रजत मोबाइल वर्ल्ड का यहाँ पर 0 रुपीज़ शो कर रहा है। इसके अलावा आप नीचे जाएंगे तो भूपति से हमें लेने हैं 29,500 रुपीज़। रजत मोबाइल वर्ड्स का दूसरा बिल है, यहाँ पर आप देखेंगे उनके साथ भी कुछ ट्रांजैक्शन बाकी है। ऐसे आप देखेंगे तो ओवरऑल यहाँ पर कई सारे पार्टीज और उनके रिमेनिंग बैलेंस जो भी है वो यहाँ पे शो कर रहा है। आपको और अच्छे से चेक करना है तो यहीं से आप ऑल्ट प्लस F1 प्रेस कर सकते हैं, तो सारे बिल्स आ जाएंगे और बिल्स के साथ साथ वहाँ पर ये शो करेगा किस पार्टी का कितना पैसा किस चीज़ का है। तो आप यहाँ देखेंगे जो पहला बिल था रजत मोबाइल वर्ल्ड का, वो 1 अप्रैल 2020 का है, सेल्स का, जिसमें क्या किया गया है। ओवरऑल आप देखेंगे 4,82,910 रुपये का अमाउंट था, 10 पीसेस गैलेक्सी F62, 3 पीसेस रेडमी नोट 8 और 10 पीसेस रेडमी नोट 8 प्रो। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे भूपति का, आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है भूपति बुक्स एंड स्टेशनरीज, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल जो पैसा दिखाई दे रहा है वो 29,500 रुपीज़ का है, 150 पीसेस प्रिंटेड बुक्स और 1,000 पीसेस वीकली न्यूज़पेपर। ऐसे आप नीचे जब स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारा का सारा अमाउंट्स दिखता रहेगा। सबसे ऊपर वाले में दिखा देते हैं जहाँ पर आपको 0 रुपीज़ शो कर रहा है। अब 0 क्यों शो कर रहा है तो इसमें समझना पड़ेगा, रजत मोबाइल वर्ल्ड में दो बिल्स हैं। पहला है, मतलब दो एंट्रीज पास की गई हैं, 1 अप्रैल 2020 को है जहाँ पर ये माल बेचा गया है, और आप इसी में नीचे देखेंगे रिसिप्ट का यहाँ पर बिल लगा हुआ है, इन रिसिप्ट की एंट्री पास की गई है जिसमें यहाँ पे 4,82,910 रुपये रिसीव किए गए हैं। तो 4,82,910 रुपये देने थे, सॉरी लेने थे,
और उसमें 4,82,910 रुपये रिसीव कर लिए गए हैं। इसीलिए जो पहला वाला यहाँ पे आपको एंट्री दिखाई दे रहा है 1 अप्रैल 2020 की, जो यहाँ पर रजत मोबाइल वर्ड्स का अकाउंट दिखाई दे रहा है, इसमें आपको 0.28 पैसे ही शो कर रहा है जो आपको लेने हैं, क्योंकि बाकी का पेमेंट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, आपको पैसे मिल चुके हैं, लेकिन बाकियों का अभी पेमेंट आपको नहीं मिला है, इस वजह से उनकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पे शो कर रही है। अब यहाँ पे साइड में कुछ ऑप्शंस है, पहले हम उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पीरियड का। अब पीरियड का ऑप्शन का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं? पीरियड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जो जो पैसे हमें रिसीव करने हैं उनकी जानकारी चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 अप्रैल 2 अप्रैल की लगभग एंट्रीज है। अगर आपको ये चेक करना है कि 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक की एंट्रीज, 1 अगस्त से लेकर के 1 दिसंबर तक की एंट्रीज, यानी बीच के जो भी बिल्स थे जिनके लिए हमें पैसे रिसीव करना होता था, उनको अगर हमें चेक करना है तो पीरियड पे जाके चेक करेंगे। अब हमारे केस में 1 अप्रैल 2020 तो पड़ा हुआ है, अब आगे मैं 1 अप्रैल 2020 ही डाल देता हूँ। फिर से जब मैं इंटर पास करूंगा तो 1 अप्रैल की एंट्रीज यहाँ पे शो करेगा, 1 अप्रैल के बिल शो करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 अप्रैल का एक ही बिल था, उसका भी पैसा हमने रिसीव कर लिया है जो कि रजत मोबाइल वर्ल्ड के साथ था। अगला अगर हम चेक करें तो यहाँ पर 1 अप्रैल से हम यहाँ पर नीचे चले जाते हैं, 31 मार्च यहाँ पे शो कर देते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी एक साल के ट्रांजैक्शन में यानी फाइनेंशियल ईयर में 2021 तक का पूरा का ओवरऑल यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, कितने बार क्या परचेज किया गया, मतलब क्या सेल किया गया है और कितना पेंडिंग अमाउंट है उनका। तो पीरियड ऑप्शन से क्या कर सकते हैं हम, पीरियड ऑप्शन की सहायता से हम किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर जितना भी आपने सेल किया है, जो भी पैसा आपको लेना था, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे शो कर जाएंगी। सेकेंड ऑप्शन है कंपनी का। इस ऑप्शन की सहायता से अगर आप मल्टीपल कंपनीज में डील करते हैं तो अब अलग अलग कंपनीज के बिल्स रिसीवेबल चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा अभी तो एस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड खुला हुआ है, आप यहाँ पर आमिर का देखेंगे जाके, दूसरी जो हमारी फर्म थी तो उसका भी शो कर रहा है, उसमें भी कुछ ये पैसा अमाउंट पेंडिंग है। तो इसका मतलब ये है कि आप मल्टीपल कंपनीज का आपको डेटा चेक करना हो किस कंपनी में कितना पैसा रिसीव करना है, अगर आप मल्टीपल कंपनीज में डील करते हैं तो आप यहां से चेक कर सकते हैं कंपनी ऑप्शन से। आप देखेंगे ये जो डेटा आपके सामने ओपन है ये है आमिर मोबाइल वर्ल्ड नाम की कंपनी का, जबकि हमारी कंपनी कौन सी थी जिस पे हम प्रॉपरली काम कर रहे हैं, वो एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है जिस पे हम प्रॉपरली काम कर रहे हैं। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं तो हमारी फर्म में जो मेन थी वो ये थी एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, हमने इसको दोबारा से ओपन कर लिया है। अब अगला आप देखेंगे ग्रुप्स, जब हम ग्रुप्स पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप्स पे क्लिक करने के बाद आपको सारे क्रेडिटर्स और डेब्टर्स की लिस्ट दिखाई देगी। क्रेडिटर्स का मतलब हमारे सप्लायर्स होता है जिनको हमें पैसे देने होते हैं, ये फर्म की लायबिलिटीज होते हैं, और डेब्टर्स का मतलब हमारे कस्टमर्स होते हैं यानी हमारे बायर्स हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं। तो आपको यहाँ से चेक करना है क्रेडिटर्स की डिटेल, तो आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो क्रेडिटर्स आपको शो करेंगे। चूँकि अपनी पिछली वीडियो में हमने सारे के सारे क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया था, इसलिए यहाँ पे क्रेडिटर्स में 0 शो कर रहा है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पे शो करेगा। फिर से जाते हैं, चलाते हैं डेब्टर्स में। चूंकि बेसिकली आज हम डेब्टर्स की एंट्रीज ही पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेब्टर्स में जाएंगे तो जो भी आपके कस्टमर्स होंगे वो सारे यहाँ पे। तो नीचे आप देखेंगे बिल्स पेबल, तो यहीं से रहते हुए आपको ये चेक करना है कि कितने बिल्स हैं जो आपको पे करने हैं, तो आप बिल्स पेबल से जाकर उनको चेक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो बिल्स पेबल आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे। तो अभी आपको इन दो पार्टीज को पेमेंट करना है, सीलू मोबाइल वर्ल्ड को, ये दो बिल्स हैं जिनको आपको पेमेंट करना है, तो वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो बिल्स रिसीवेबल से फिर से दोबारा हम बिल्स रिसीवेबल पे पहुँच जाएंगे। एजिंग मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आप डेट के हिसाब से या आपने ड्यू डेट सेट किया हुआ है तो ड्यू डेट के हिसाब से। अभी हमारे केस में हम ड्यू डेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये टॉपिक हम अगले आने वाले क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम स्केप करके वापस ले आते हैं। अब आपको लेजर वाइज बिल्स देखने हैं, तो लेजर वाइज बिल्स देखने के लिए आपको F8 प्रेस करना है या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर सारे के सारे लेजर वाइज बिल्स दिखाई दे रहे हैं, सबके यहाँ पे लेजर्स नेम और उनके बिल्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो अगर आपको लेजर वाइज बिल्स देखने हैं तो आप लेजर वाइज बिल्स, अदरवाइज आप बिल वाइज यहाँ पे चेक करेंगे तो फिर से जैसे पहले ऑप्शंस आ रहे थे वो सारे आपको आने दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आप वहाँ से व्यू चेंज कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार, जैसे आप बिल्स पेबल या इन चीज़ों का जो भी व्यू है आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं।
तो ये कुछ बेसिक ऑप्शंस थे जो कि आपको मिल जाते हैं जब आप बिल्स रिसीवेबल वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें बिल्स रिसीवेबल जिनसे भी जो पेमेंट लेना है, अगर हम उनसे पेमेंट लेंगे तो उनकी एंट्रीज कैसे पास करेंगे। इसके लिए चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भूपति मोबाइल ये बुक एंड स्टेशनरीज हब से हमें 29,500 रुपीज लेने हैं। अगर हम इनसे पेमेंट लेंगे तो किस तरीके से इफेक्ट आएगा बिल्स रिसीवेबल में, हम ये चेक करते हैं। एक बार हम यहाँ पर एक बार दोबारा से एंटर प्रेस कर लेते हैं और देख लेते हैं पैसे कितने लेने हैं, 29,500 रुपीज। अब चलिए 29,500 रुपीज इनसे रिसीव करके देखते हैं। तो रिसीव करने के लिए आपको करना क्या है, आपको चले जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। जब आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन के अंदर जाना है और जाना है वाउचर्स पे। जैसे आप वाउचर्स पे प्रेस करेंगे इंटर तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे वाउचर्स के अंदर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पेमेंट लेना है या पेमेंट देना है, आपको पैसे रिसीव करने हैं। तो पैसे रिसीव करने के लिए आपको जाना है रिसिप्ट वाउचर पे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से एप 6 प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अब आपके सामने रिसिप्ट वाउचर ओपन हो गया है। आपको चेक ये करना है कि आपका जो मोड है क्या वो सिंगल मोड एंट्री सिस्टम है, क्योंकि अगर सिंगल मोड एंट्री सिस्टम होगा तो यहाँ पे आपको टू और बाय नहीं दिखाई देगा। अगर आपका डुअल मोड एंट्री सिस्टम है तो यहाँ पे टू दिखाई देगा। हमारे केस में ऑलरेडी टू दिखाई दे रहा है, आपके वाले में ना दिखाई हो तो आप यहाँ पर चेंज मोड पे जाकर आपको डबल मोड एंट्री सिस्टम इनेबल कर लेना है। अगला काम जो आपको करना है, आपको जिससे भी पेमेंट लेना है सबसे पहले आपको उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम भूपति बुक एंड स्टेशनरी हब से पेमेंट लेना है, हम यहाँ पर भूपति को सिलेक्ट करेंगे और इंटरप्रेस करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर इंटरप्रेस करेंगे आप देखेंगे अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है जितना भी बैलेंस हमें उनसे लेना है। तो यहाँ पर टोटल पैसा कितना लेना है, 29,500 रुपीज लेने हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप हाफ पेमेंट लेंगे तो हाफ पेमेंट भर दीजिए, अगर आपको फुल पेमेंट एक बार में लेना है तो फुल पेमेंट ले लीजिए। हम आधा आधा करके दो बार में पैसे रिसीव करते हैं। एक बार हम 19,500 रिसीव करते हैं और देखते हैं इसे एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंटरप्रेस करूंगा, बिल्स में जाऊंगा और उस बिल को एक्सेप्ट कर लूंगा। अब आपको यहाँ से ये चीज सिलेक्ट करनी है कि पेमेंट आप किस मोड पे लेंगे, क्या आपको पैसे इनसे नगद लेने हैं कैश के रूप में या फिर आप चेक के रूप में लेंगे। तो हमारे केस में हम SBI में पेमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं SBI सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इंटरप्रेस करके एक्सेप्ट करा दूंगा। जैसे मैं एक्सेप्ट करा दूंगा तो अब मैं आपको दोबारा से वापस ले जाके वहाँ पे चेक करा देता हूँ। एक बार फिर से हम चलते हैं और यहाँ से फिर से मैं यहाँ पे Alt+G प्रेस करता हूँ और यहाँ से मुझे टाइप कर देना है बिल्स रिसीवेबल और यहाँ से मैं इंटरप्रेस करूँगा। तो अब जब मैं बिल्स रिसीवेबल में इंटरप्रेस करूँगा तो आप देखेंगे भूपति बुक्स एंड स्टेशनरी हब अब यहाँ पर 10,000 शो कर रहा है, जो कि पहले आप देखेंगे तो 29,500 शो कर रहा था। और ज़्यादा जानकारी के यहीं पर मैं Alt+F1 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे भूपति के साथ यहाँ पर कितनी एंट्रीज पास है, दो। पहली एंट्री जिसमें सेल किया गया है आप देखेंगे यहाँ पर अमाउंट शो कर रहा है टोटल मिलाकर 29,500 रुपीस का, और दूसरा बिल यहाँ पे 2 अप्रैल 2020 को रिसिप्ट की एंट्री डाली गई है जिसमें 19,500 रुपीस शो कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर दोनों बिल्स को एडजस्ट करके टोटल रिमेनिंग बैलेंस जो आपका पेंडिंग अमाउंट शो कर रहा है वो 10,000 शो कर रहा है। अब फिर से एक एंट्रीज पास करते हैं, जैसे 10,000 भी वापस इनसे ले लेते हैं हम। तो वापस लेने पूरे पैसे लेने के बाद किस तरीके से इफेक्ट आएगा, तो फिर से वाउचर्स पे जाते हैं, फिर से आपको भूपति बुक्स एंड स्टेशनरी आपको सेलेक्ट करना है, 10,000 आपको लेने हैं तो 10,000 यहाँ पे अमाउंट फिल कर दीजिए, बैलेंस यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। और इस बार हम कैश में पेमेंट लेंगे तो हम यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर करते हैं। यहाँ पे हम जब एंट्री को पास कर देंगे तो पास करने के बाद अब हम जाकर चेक करते हैं कि अब वहाँ पे क्या शो करेगा। तो यहाँ से फिर से मैं टाइप कर देता हूँ बिल्स रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल को चेक करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ी देर पहले बिल्स रिसीवेबल में भूपति बुक्स एंड स्टेशनरी हब शो कर रहा था, जो कि अब यहाँ से जा चुका है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा भूपति बुक्स एंड स्टेशनरी हब का कोई भी यहाँ पर ऐसा बिल बाकी नहीं है जिसके लिए हमारी फर्म को पैसे मिलने हैं। तो आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको जिससे भी पेमेंट रिसीव करना है, बिल्स रिसीवेबल आपको यूज करने हैं, तो कैसे आप उनकी रिपोर्ट्स चेक करेंगे जाकर, और साथ ही साथ अगर आपको पेमेंट लेना है पेमेंट लेने की एंट्रीज आप कैसे पास करेंगे, पेमेंट रिसीव की एंट्रीज आप कैसे पास करेंगे टैली प्राइम में। आज का ये वीडियो बेस्ड था बिल्स रिसीवेबल पे, पिछली क्लास बेस्ड थी बिल्स पेबल पे। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी।
बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।